हेलो गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, 15 अगस्त को ये वीडियो जारी है आप लोगों के लिए। पीछे मेरी ड्रम किट भी रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अपने म्यूजिक स्कूल के लिए, एंड मैं गाना परफॉर्म कर रहा हूँ ए वतन अपने ड्रम किट के ऊपर। ऑनलाइन चल रहा है तो पीछे म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाएंगे, म्यूजिक खुद से ही प्ले होएगा, एंड कहीं ना कहीं मुझे ड्रम्स बजाने अपने म्यूजिक स्कूल में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब आप देख रहे हैं तो मैं किस टास्क में या इवेंट में बिजी होने वाला हूँ। अब हम इसके अंदर करेंगे निफ्टी का वीकली अपडेट, बैंक निफ्टी का वीकली अपडेट देखेंगे। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि कैसे, मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी के चार्ट में ज़्यादा तेज़ी दिख रही है, उसके स्टॉक्स में भी थोड़ी हमें यू नो बेटर परफॉर्मेंस की आशंका थी, और कहीं ना कहीं वो होता हुआ दिखा है। इस हफ्ते हमने देखा कि मार्केट्स न्यू ऑल टाइम हाई पे आई हैं, बट आपके पोर्टफोलियोज़ के अंदर करेक्शन आ रही होगी, और उसकी भी हम पहले से ही बात कर चुके हैं कि कैसे वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई है। तो उसके चक्कर में आप देख रहे हैं काफ़ी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स को झटका लगा है। काफ़ी लोगों को लग रहा है BSE की जो एक नई रेगुलेशन है उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ, बट वो मुझे नहीं लग रहा, वो कहने की बात हो जाती है। मेरे ख्याल से मार्केट्स इन जनरल यहाँ पे हमें दिख ही रहा था कि वॉलेटाइल हो रही हैं, एंड भाना बन जाता है वही। तो हम अगर किसी चीज़ को पहले पकड़ लेते हैं और फिर बाद में उसका कुछ नया रीज़न आ रहा है तो डेफिनेटली वो रीज़न उसका एक्चुअल रीज़न नहीं है। तो इतनी साइकोलॉजी आपको मार्केट्स की समझनी पड़ेगी। हम चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, निफ्टी का चार्ट डिस्कस करेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस करेंगे, और अगर आपने कल की चार्ट ऑफ द वीक वीडियो नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए गए दो चार्ट और सिल्वर मेंबर्स के लिए, जी हाँ, हमने नया ही चीज़ स्टार्ट करी है कि कोई भी लॉन्ग टर्म चार्ट होगा, क्योंकि सिल्वर कम्युनिटी फोकस्ड है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वहाँ पे हम चार्ट दे दिया करेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि टेक्निकल एनालिसिस को आप किस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ लॉन्ग टर्म स्टॉक पिकिंग के लिए भी। तो चलते हैं अपने सीधा स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पर चलने से पहले बस मैं यही कहना चाहूँगा, टेलीग्राम मेंबरशिप अगर अब तक आपने नहीं ली है तो ये मंथ लास्ट मौका है आप लोगों के लिए कि आप 2000 रुपीज़ में लाइफ टाइम उसकी मेंबरशिप मिलती है, 2000 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकें, ये लास्ट मौका है। पर्क्स उसमें ऐड हो रहे हैं, एंड क्योंकि पर्क्स उसमें ऐड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस भी ऊपर जाने वाला है, बट अगेन रहेगा वन टाइम मेंबरशिप फी ही रहेगा, लो कॉस्ट प्रोडक्ट ही, रिटेल इन्वेस्टर्स रिटेल ट्रेडर्स के लिए ही है वो, एक कम्युनिटी ही बिल्ड मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको वार्न करना चाहूँगा ये लास्ट मंथ है 2000 रुपीज़ के लिए। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर। आई एम सुपर एक्साइटेड, टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी वेरी प्लीज टू बी बॉर्न इन दिस कंट्री, इन दिस ग्रेट कंट्री इंडिया। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे आपको जय हिंद भी बोलेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं निफ्टी जब ये कंसोलिडेशन से निकला था, फिर इसने वापस यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट किया और क्या शानदार कैंडल आई है। आपके पोर्टफोलियो जरूर ब्लीड कर रहे होंगे क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी है, तो मैं आपसे बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं करता कि यू ना आपके पोर्टफोलियो इस हिसाब से ऊपर गए होंगे आज, बट कहीं ना कहीं निफ्टी में तेजी है, यानी कि निफ्टी के जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं उनमें तेजी है। तो अगर आप उनमें काम कर रहे हैं कोई बुराई की बात नहीं है। निफ्टी का मुझे क्या लगता है, मेरे ख्याल से अब यहाँ कहीं पर इसका नया बेस फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड ये हो सकता है कि फ्यूचर में इस दर को कहीं आके सपोर्ट ले, जो कि हो गया 16,340 का हमारा लेवल। तो 16,300 आप मान लीजिए, हो सकता है एक नया सपोर्ट बन जाए, बट मैं अभी भी इसी फेवर में हूँ कि आप 15,900 पे ही अपने स्टॉप लॉसेस लेके चलें। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस जरूर हो जाएगा, बट ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका। लेट अस सी, एक दो हफ्ते देखते हैं, उसके बाद हम अपना डेफिनेटली स्टॉप लॉस ऊपर कर लेंगे। निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं, ऑल टाइम हाई, वैसे मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी के अंदर, जो निफ्टी के स्टॉक्स हो गए एक तरीके से जो उसको रन कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी हम देख सकते हैं हमारा 35,800 का जो लेवल था उसको इसने काट दिया है और ऊपर खड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कि अभी कट ही किया है, देखो ऊपर रहता है नीचे रहता है क्या होता है, बट उसको सस्टेन किया गया है। अगर बैंक निफ्टी 36,500 को डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है, 36,520 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इसको ऊपर ही जाना चाहिए। मार्केट्स वैसे बहुत ज़्यादा अगेन वॉलेटाइल हैं, बट ये जो इंडाइसेज हैं ये बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं, तो इसको आप चाहे इंडेक्स मैनेजमेंट बोलो, चाहे मार्केट मैनेजमेंट बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, बट इट्स अ टिपिकल पार्ट ऑफ अ बुल मार्केट कि कुछ शेयर जो आपके अब तक नहीं चले थे उस हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे वो कर रहे हैं। मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ रही है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ द गेम। इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं हो रही, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है, बस आपको अपने स्टॉप लॉसेस फॉलो करने हैं। अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या है, डिसाइसिव ब्रेकडाउन एट 35,800। अगर ये डिसाइसिवली टूटता है तो आपको बैंक निफ्टी की सारी ट्रेड्स में से एग्जिट करना सेंस रहेगा।
34,500 आपका नीचे का सपोर्ट यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है। लाइंस हमारी बहुत पहले से फॉलो हो रही है, कोई ऐसा नहीं है कि आज से फॉलो हो रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से बनती हुई आ रही है लाइंस और कहीं ना कहीं फिर इस जोन में हमने बनाई और किस तरीके से इसको इस जोन ने रिस्पेक्ट किया है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। मार्केट्स आर वेरी बुलिश बट दे आर वेरी वेरी वॉलेटाइल। तो होता क्या है कि ऐसे समय में मेरे जैसे इन्वेस्टर को तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाती हैं बट मेरे जैसे ट्रेडर को ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं मिलती। तो मैं ट्रेड भी अच्छी कंपनीज में ही कर रहा होता हूँ, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स में ही ट्रेड कर रहा था, बहुत बार तो पोर्टफोलियो का ही पार्ट बन जाते हैं। इनफैक्ट आप लोगों को ध्यान होगा अभी हमने पिछले हफ्ते बात करी है कि कैसे आपको ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, और उसके अंदर हमने LTTS टाटा एल्क्सी तो डिस्कस करे थे, वो तो चलो मेरे पास है, बट मैंने उसके अंदर एक IT कंपनी भी सिल्वर मेंबर्स के लिए डाली थी, तो मैंने प्राइमरीली उसकी बहुत बड़ी पोजीशन उठाई है एंड दैट हैज यू नो एब्जॉर्ब्ड अ लॉट ऑफ माय फ्री कैपिटल दैट आई हैड फॉर ट्रेडिंग। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इस मार्केट में प्रेफर नहीं करता इतना ट्रेड करना, टेलीग्राम पे भी मैंने यही अपडेट दिया था एंड मुझे पता है कि मेरा ट्रेडिंग सिस्टम किस हिसाब से अच्छा करता है, कहाँ पे उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो जब मुझे लगता है ना कि खींचातानी ज़्यादा हो रही है तो फिर मैं उस समय ट्रेडिंग छोड़ देता हूँ, फिर मैं वापस लेकिन इन्वेस्टमेंट पे फोकस करने लगता हूँ एंड माय सिस्टम इज सच कि एक ना एक चीज़ बहुत एक्सेलरेटेड वे में चलती रहती है। तो इस समय इन्वेस्टिंग एक्सेलरेटेड वे में चल रही है, प्लस हम आप लोगों के लिए स्पेशल सिचुएशन फंड लॉन्च करने वाले हैं, उसके अंदर वो एक्टिवली यू नो एक चर्न रहेगा और हम स्पेशल सिचुएशंस का फ़ायदा उठा के काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न्स डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें डिविडेंड वगैरह पे फोकस नहीं हमारा। कुछ लोग पूछते हैं कि डिविडेंड यील्ड कितनी आ जाएगी, मुझे नहीं पता, मेरे को कोई मतलब नहीं है। हम आपको पास्ट रिटर्न्स बता सकते हैं, अपनी कैपिटल गेन्स बता सकते हैं, हमारा फोकस उसी पर रहता है। तो अगर आप उसमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इट्स डेफिनेटली प्रोडक्ट फॉर HNIs, क्योंकि उसके अंदर हम 75,000 फॉर 1 ईयर चार्ज कर रहे हैं या फिर हम चार्ज कर रहे हैं 150,000 अगर आप 3 ईयर्स के एक बार में देना चाहते हैं हमें, उसके अंदर रिटर्न्स अच्छी रहेंगी। स्पेशल सिचुएशन फंड जो आपका लॉन्च हो रहा है वो स्पेशल सीरीज फंड का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, बस इस टाइप का है वो कि हर समय ओपन रहे ताकि हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको भी दिक्कत ना आए और जो नए क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं दे ऑल्सो स्टे हैप्पी कि हाँ यार ऐसी चीज़ मिल रही है जिसको हम एक ही चीज़ को लेकर बड़े संतुष्ट हैं, उसी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ें एक्वायर नहीं करनी पड़ रही। बिकॉज स्पेशल सीरीज फंड के अंदर क्या होता था कि आई हैड टू यू नो क्लोज अ फंड एंड लॉन्च अ न्यू वन, तो इसके अंदर हमने वो दिक्कत हटा दी है, रिस्क मैनेजमेंट इसका हमने बेटर कर दिया, इंप्रूव कर दिया है एंड नाउ वी हैव लॉन्च दिस ऑफिशियली ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो मैंने कहा आप लोगों को जरूर इसके बारे में बताया जाए। गाइज एनीवे बैंक निफ्टी निफ्टी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ, टेलीग्राम पे अपडेट्स दे ही चुका हूँ, सारी चीज़ें आपको पता है, मेरा व्यू मार्केट्स को लेके पता है, निफ्टी चार्ट ऑफ द डेकेड में भी हमने बात करी थी, कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़े बस मेरे को निफ्टी में स्टॉप लॉस डीप दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी में तो स्टॉप लॉस पे ही खड़ा हुआ है, एक तरीके से रेजिस्टेंस को कट किया है इसने, उसको सपोर्ट बना के खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी लुक्स मच सेफर अगेन टू मी एट दिस मोमेंट, बट आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं बिल्कुल अपना रिस्क एनालाइज करके, वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज, तो उसको बस ध्यान रखिएगा, अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर बींग पार्ट ऑफ द बुलियन कम्युनिटी, फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।